हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अजय सिंह, 7+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मोर देन 10K स्टूडेंट्स को वेरियस एग्जाम के लिए मेंटर कर चुका हूँ। स्पेसिफिक मैं आप लोगों को यहाँ पे एनटीएससी एंड मेंटल एबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फटाफट से आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज के अपडेट यहाँ पे रेगुलर मिलते रहेंगे। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने किया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एज ए होमवर्क दिए थे। तो वो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, आज वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है, 9th ऑफ जून 2021 से आप लोगों के लिए मंजिल बैच स्टार्ट हो रहा है, और 9 जून से ही आप लोगों का जुनून बैच स्टार्ट हुआ है, जो महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के लिए होगा। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी सारे अपकमिंग बैचेज है क्लास 9th एंड 10th के। सारे के बैचेज आप लोगों के ईयर लॉन्ग कोर्सेज हैं, जो कि आइदर 9 मंथ, 11 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 15 मंथ, 18 मंथ के होंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके सारे के जो एग्जाम्स हैं, उनको स्पेसिफिक टारगेट करके डिजाइन किए हुए यहाँ आपके कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, एवरी संडे आप लोगों का यहाँ पे फाउंडेशन टेस्ट सीरीज चलती है बच्चों, जिसमें आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के 2020 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉप 30 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, उनकी रैंक के अकॉर्डिंगली 25% से लेके 100% तक। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आप प्लस सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप अपनी क्लासेस, लाइव क्लासेस कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। दैट मीन्स कि आप मल्टीपल कोर्सेज के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज जितने भी होंगे बच्चों, कंप्लीटली स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, मतलब किसी भी एग्जाम को ध्यान में रख के स्पेसिफिक डिजाइन किए हुए कोर्सेज होंगे। ठीक है, वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी सेशन एंड मास्टर क्लासेस आप लोगों के यहाँ पे टाइम टू टाइम कंडक्ट होंगे। अनलिमिटेड क्विजेज आप लोगों के यहाँ पे होंगे। अनलिमिटेड क्विजेज मतलब कि आप टाइम टू टाइम खुद भी वो क्विज को होस्ट कर सकते हो। स्टडी मटेरियल आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाएगा, और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एवरी 4 सेशन आपका यहाँ पे स्पेसिफिक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। तो करना क्या, आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, इधर 1 या 2 ईयर के लिए सब्सक्राइब करना है, और आप लोगों को कोड यूज करना है ASSIRLIVE। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, इससे आप लोगों को इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन है कॉम्बो प्रोडक्ट भी ऑप्ट करने का, जिसके अंदर आप फाउंडेशन के साथ साथ आइदर IIT, JEE और NEET के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि पर मंथ कॉस्टिंग आपका कम होता जाता है, जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन इंक्रीज होता है। अगेन आप लोगों को यहाँ पे रेफरल कोड यूज करना है ASSIRLIVE, से आप लोगों को 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। आपके पास बच्चों 2 ऑप्शन है, आइदर प्लस और आइकॉनिक। प्लस के अंदर आप लोगों को ये सारे फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताए, आइकॉनिक में आपको पर्सनलाइज्ड कोर्स, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइन आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, और साथ ही साथ 12 या 24 पे अगर आप सब्सक्राइब करते हो और मेरा कोड यूज करते हो, तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, प्लस के बच्चों के लिए आज के डाउट फीचर अवेलेबल है, जिसमें आप अपने डाउट 24x7 hours आप पूछ सकते हो। करना क्या है, पिक्चर अपलोड करना है, ठीक है, अपनी क्लास वहां पे सेलेक्ट करनी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लास सेलेक्ट करनी है, तुरंत आप लोगों को वहां पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो चलो शुरुआत करते हैं आज का सेशन, शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसके, ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे आपके बेस्ड होंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपको दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से सुनिएगा, ये है A, ये है B, ये है C। ठीक है, AB का वैल्यू 6 दिया हुआ है, AC का वैल्यू 8 दिया हुआ है, BC का वैल्यू आप लोगों को 7 दिया हुआ है। ठीक है, सच दैट AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD की आप लोगों का बच्चों एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप लोगों को लेंथ ऑफ AD बताना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर बताया भी था कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का फॉर्मूला होगा AB.AC - BD.DC। आई बात समझ बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले ये BD और DC कैलकुलेट करना है अपने को, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक चीज देखिएगा, यहां पे है AB/BD = AC/CD। ठीक है बच्चों, इसके अकॉर्डिंगली ये आपका 6/8 होगा, विच इज 3/4। आई बात समझ बेटा, ठीक है बेटा,
क्लियर है। और आपको टोटल लेंथ BC का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बच्चों? 7 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ध्यान से एक बार आप लोग देख लो, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी चीज को मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि AB अपॉन AC BD अपॉन CD इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। और हमको एक चीज और पता है कि BC अगर 7 है तो BD प्लस CD भी तो आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है बेटा। तो अगर मेरे को रेशियो पता है उनका, उनका टोटल सम मुझे पता है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, BD इक्वल्स टू 3/7 इंटू 7 विच इज 3 सेंटीमीटर एंड CD का वैल्यू 4/7 इंटू 7 विच इज 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बट आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करना था लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो बच्चों AD स्क्वायर का वैल्यू एज पर फॉर्मूला 6 × 8 -3 × 4 आ जाएगा, विच इज 36 आएगा। तो AD का जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। AD का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसी टाइप से अपने को ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगला देखिएगा, क्या बोला गया आपको, AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD इज एंगल बाइसेक्टर, BD और CD का वैल्यू दे दिया है, AB प्लस AC का वैल्यू दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड AC। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर ये A है, B है, C है, ठीक है बेटा। अगर ये D है, ये आपको 2 दिया हुआ है, ये आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको AB को X मान लूं, तो AC जो मेरा है यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इट विल बी 10 - x। तो एज पर द फॉर्मूला x/2 = 10 - x/5, ठीक है बेटा। तो यहां से आ जाएगा 5x = 20 - 2x आ जाएगा। तो 7x का वैल्यू 20 आ जाएगा, x का वैल्यू 20/7 आ जाएगा। क्या जब x का वैल्यू 20/7 आ गया है, ठीक है, तो ये AB का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 20/7 हो जाएगा। और AC का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 10 - 20/7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 50/7 हो जाएगा। हो गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट वन देखिएगा क्या दिया हुआ है। इन ए ट्राइंगल ABC P इज ए पॉइंट ऑन BC, ओके, ABC, ठीक है, P इज एनी पॉइंट, ठीक है बेटा। BP का वैल्यू है 20√3/3, CP का वैल्यू है 20√3/3, BP एंड CP, ठीक है। AB का वैल्यू है 20 है, AC का वैल्यू है 10 है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। P इज ए पॉइंट ऑन BC, ठीक है, अच्छी बात है, दिया हुआ है। इसको CP को 10 कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10√3/3, ठीक है। यहां से अगर मैं देखूं बच्चों, तो मेरे पास निकल के आ रहा है कि AB अपॉन AC का जो वैल्यू है वो BP अपॉन BC के इक्वल आ रहा है। मतलब यहां से निकला कि AP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, AP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। AP क्या है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर। अगर AP एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल BAP एंगल CAP इक्वल होंगे, और अगर ये इक्वल हैं तो एंगल BAP एंगल CAP का वैल्यू शून्य होगा, 0° होगा। आई बात समझ में? दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देखिएगा। आपको बोला गया है AB BC AC, ठीक है, A B C, AB का 6 है, BC का 7 है, AC का 8 है। पॉइंट D जो है वो इस पे है, ठीक है, AD बाइसेक्ट्स एंगल, ठीक है, AC पे पॉइंट है E, ठीक है, और ये पॉइंट F पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो
बच्चों आप लोगों को अगर पता हो, हमने लास्ट टाइम भी किया था कि इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर को बी प्लस सी अपॉन ए में डिवाइड करता है, ठीक है ना। बी प्लस सी, एंड वॉट इज बी प्लस सी? 6 + 8। एंड वॉट इज ए? 7। आंसर इज वॉट? 2। आंसर इज वॉट? 2। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। चल अगला देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी को डी पे मिलता है। सी डी का वैल्यू 3 है, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, और आई थिंक ये वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, ओके। सी डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो लेट सपोज इसको अगर मैं ए सी बोल दूं, और अगर मैं बात करूं तो 10/AC का जो वैल्यू है बच्चों वो BD/3 के इक्वल आएगा। 10/AC का वैल्यू BD/3 के इक्वल आएगा, तो BD का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा 30/AC, 30/AC, ठीक है। तो अगर आप यहां पे चीजें देख पा रहे हो, ये एक ट्राइंगल है, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि AB+BC, AB+BC इज ग्रेटर देन AC, ठीक है बेटा। तो AB कितना है आप लोगों का? 10 है। BC कितना है आप लोगों का? 3 + 30/AC है, ग्रेटर देन AC हो जाएगा। AC को एक बार आप x मान लो, तो x इज लेस देन 30/x + 13। सिंप्लीफाई करोगे, x² - 13x - 30 < 0, x - 15x + 2 < 0। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो -2 से लेकर 15 आएगी। आई बात समझ में? क्लियर है, ठीक है। तो एक तो ये रेंज आ गई आप लोगों की, ठीक है। एक कंडीशन मैं और लगा सकता हूं यहां पे, उस चीज को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी मैंने ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना कि BC + AC इज ग्रेटर देन AB, एक कंडीशन ये भी हो सकती है। और BC का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30/x + x = 10 - 3 = 7। यहां से अगर अपन देखेंगे, x² - 7x + 30 > 0, तो इस इक्वेशन से तो x की कुछ भी वैल्यू आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? क्लियर है, ठीक है बेटा। चलो तीसरी जो कंडीशन और है, तीसरी कंडीशन जो और है, अभी मैंने ए बी उधर लिया, अब मैं बी सी को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, BC को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि AB + AC इज ग्रेटर देन BC। एंड वॉट इज AB? 10 + AC, x, 10 + x का वैल्यू 3 + 30/x आ जाएगा क्या? यहां से अगर आप देखोगे, x² - 7x - 30 > 0 आ जाएगा क्या? तो यहां से अगर आप देखोगे ना, ये बनेगा x - 10 और x + 3 > 0। तो यहां से निकल के आएगा कि x की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी। यहां पे आप बोल रहे हो -2 से 15, यहां बोल रहे हो 10 से इनफाइनाइट, तो दोनों को जब तुम इंटरसेक्ट करोगे तो आंसर आएगा 10 से लेकर 15। तो 10 + 15 कितना हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी थी, देन उसके बाद सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये तीन जगह अप्लाई करना था, एक जगह इग्नोर हो रहा है, ठीक है। एक जगह कोई सेंस नहीं है उसको यूज करने का, बाकी दो जगह उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है बेटा। अगला देखिएगा।
इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, दैट्स गुड, इन ट्राइंगल एबीसी बीडी इज वन, सीडी इज टू, एबी इज टू, ये एक्स आएगा, ठीक है। तो अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है तो एबी अपॉन बीडी का वैल्यू एसी अपॉन सीडी के इक्वल होगा। एबी का वैल्यू है टू, इसका वैल्यू है वन, एक्स अपॉन टू होगा, तो यहां से एक्स का वैल्यू फोर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू फोर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज एंगल बाइसेक्टर, एबी इज सिक्स, एसी इज एट, बीडी इज थ्री, दिस इज एक्स, तो सिक्स बाय थ्री इक्वल्स टू एट अपॉन एक्स हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, एक्स का वैल्यू फोर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू फोर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, एबीसी, ध्यान से सुनिएगा, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, चलो अच्छी बात है, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी का वैल्यू फोर दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू थ्री दिया हुआ है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंड ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ना, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, बट पहले हम बी सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले हम बी सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आई बात समझ में। तो यहां से एक चीज मुझे बताओ, क्या लिख सकता हूं कि कोस 60 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 3 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, क्योंकि कोस 60 का वैल्यू 1 अपॉन 2 होता है, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, बी सी का वैल्यू 13 आएगा, बी सी का वैल्यू 13 आएगा, आई बात समझ गए, ठीक है बेटा, क्लियर है, ठीक है। एक चीज और ध्यान से देखिएगा, अगर एडी एंगल बाइसेक्टर है तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि BD अपॉन DC का वैल्यू AB अपॉन AC के इक्वल होगा, जो कि आप लोगों का 4 अपॉन 3 है, तो BD का जो वैल्यू है वो होगा 4 अपॉन 7 इंटू रूट 13, रूट 13 है, ठीक है। CD का जो वैल्यू है वो होगा 3 बाय 7 मल्टीप्लाई विद रूट 13, ठीक है बेटा, हो गया। अब आपको फाइनली एंगल बाइसेक्टर एडी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 12 माइनस 12/49 मल्टीप्लाई विथ 13, ये होगा, ठीक है ना। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, एडी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी डॉट एसी माइनस बीडी डॉट डीसी, ठीक है, उसी चीज को मैंने यहां पे यूज किया है, ठीक है। तो 12 तो कॉमन आ जाएगा, 49 माइनस 13 36 हो जाएगा, डिवाइड बाय 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखेंगे एडी का वैल्यू 2 6 12 रूट 3 बाय 7 निकल के आ रहा है, आई बात समझ में, क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट वन देखिएगा, इन ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है आपको, ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, डी जो पॉइंट है वो एबी पर है, सच दैट सीडी बाइसेक्ट्स एंगल सी, देन व्हाट विल बी द लेंथ। तो बच्चों एबी का लेंथ 10 है, चलो अच्छी बात है, बीसी का वैल्यू 8 है, एसी का वैल्यू 12 है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एडी अपॉन बीडी का जो वैल्यू है वो आपका एसी अपॉन बीसी के इक्वल होगा, 12 अपॉन 8 होगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 होगा, तो एडी का वैल्यू जो है